कैसे हो ग्रुप टू वालों, सब कप्तान खुश हो ना? सुसुरी वालों, पता नहीं कौन कौन जा रहा सेमीफाइनल में, लेकिन कल हमने जानबूझकर मैच हरवा कर अपनी टीम को, पाकिस्तान को तो बाहर कर दिया सेमीफाइनल से। अबे क्या बोलती रोहित, सुसुरी के चुप करती, जानबूझ के हारती। तुम्हारी टीम ने पूरा जोर लगाया था कि हमारी टीम को पेलती, लेकिन हमारे गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने आपकी तो नैया ही डुबो दी। हाँ बुआमा, आप सही बोलते, ये सुसुरी वाले इंडिया वाले आपसे जीत नहीं सके, अब कह रहे हैं हम जानबूझ के हारे पाकिस्तान को बाहर करने के लिए। सुसुरी वालों, जब 2 तारीख को हम आपको पेलेंगे तो आपका टीम बाहर जाएगा। हाँ शकीब भाई, पेल डालना ससुर के नाती को, रोहित के बच्चे को, फिर इसको पता चलेगा। खाम खा हारे हो, सुसुरी वाले जीत नहीं सकते, या आप लोगों से हार जाएंगे, मुझे तो यही लग रहा है। पेल के रखना, ठीक है, लाज रखना। बाबर भाई आप टेंशन मत लो, 2 तारीख को हम पूरी तरह इंडिया वालों की बैंड बजाएंगे और फिर देखते हैं कौन जाता सेमीफाइनल में। और क्रिकेट वाइन जिम्बाब्वे के कप्तान, तेरे को भी उम्मीद है क्या तुम भी सेमीफाइनल में जा सकेगा? किसको पहले की तैयारी है? और शाकिब के बच्चे, क्यों नहीं हम जाएंगे ना, हम एक मैच नदरलैंड के साथ खेलती और उसके बाद अंतिम मुकाबला इंडिया के साथ खेलती, हम इंडिया को पेलती, तुम पेलती तो हम छोड़ती, फिर हम जाती सेमीफाइनल में। हाँ क्रिकेट वाइन तुम ऐसे ही करती, इंडिया को पेलती ताकि इंडिया भी बाहर हो जाए, पाकिस्तान भी हो जाएगा। अगर बांग्लादेश जीतती तो फिर पाकिस्तान या बांग्लादेश आ जाएगी या इंडिया आ जाएगी, इन तीनों में कोई भी नहीं आना चाहिए। बुआ मां के बच्चे, हम तो पूरी कोशिश करती इंडिया को पेलेगी, तभी तो हम सेमीफाइनल में जाएगी, लेकिन पाकिस्तान कैसे जाएगी? क्या तुम पाकिस्तान से नहीं जीत पाओगे क्या? सुसुरी वाले बढ़िया खेलना, इंडिया को पेल दिया, पाकिस्तान को भी पेल देना। ओ हम भूलती, हम भूल जाती, सॉरी हम भूलती, हम भूल गई, हमारा मैच पाकिस्तान से भी है ना, पाकिस्तान वालों, वो 3 तारीख को ना, 3 तारीख को आपको पूरी तरह पेल के रख देंगे, आपका तो पत्ता साफ है, अभी से निकल लो घर के लिए। अबे चुप करती बुआ मां के बच्चे, तुम इंडिया को पेल के ज्यादा खुश मत हो, इंडिया का कोई भरोसा नहीं, लेकिन हमारी टीम अब भरोसे वाली बन चुकी है। देखा नहीं पिछले मैच में हमारी टीम ने नदरलैंड जैसी मजबूत टीम को किस तरह से पहला आपको छोड़ेंगे। अबे चुप करो सुसुरी वालों, खामखा दिमाग खराब नहीं करो, परसों आने दो, फिर देखो बांग्लादेश वालों आपको कैसे सरसों का तेल लगाते हैं। हमने तो पाकिस्तान वालों को नहीं छोड़ा, आपको छोड़ेंगे क्या? साउथ अफ्रीका से हम बोल रहे हैं, जानबूझ के हारे थे। अबे रोहित, सुसुरी के हमसे जरा बच के रहना, क्योंकि हमारे बल्लेबाज सिकंदर रजा, शेन विल्समन और उसके अलावा हमारे गेंदबाज भी किसी से कम नहीं है, आपको जरूर धूल चटाएंगे, देख लेने का। अबे चुप करती सुसुरी वालों, अभी तक तो कोई टीम कंफर्म नहीं होता सेमीफाइनल के लिए, सवाय हमारी टीम के, वो भी हम नदरलैंड से जीतेगी तभी कंफर्म होती, क्योंकि ये क्रिकेट होती, इसमें कब क्या होती कोई पता नहीं चलती। और टीम बुआमा के बच्चे, तुम्हारी टीम कहां से कंफर्म हो जाएगी? जब हम तुमको बुआमा के बच्चे टिम टिम करके बजाएंगे ना, तो तुम्हारी टिम टिम फट जाएगी और तुम बाहर हो जाओगे। सुसुरी वालों, हमारा पता नहीं हम क्या कर सकते। बस कर भूतनी के बाबर आजम, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तुम कितनी मर्जी टिम टिम करके अफ्रीका को बजा लेना, जब हम बांग्लादेश वालों को बजा डालेंगे उसके बाद जिम्बाब्वे को, तो तुम्हारा मुंह लटक जाएगा। और चुप कर ससुरी के रोहित शर्मा, ये तो मैच में पता चलेगा कौन किसको बजाता है और किसका मुंह लटकता है। अगर हम जीते, हम ऐसा करारा जीतेंगे, तुम्हारा मुंह भी लटक जाएगा, साथ साथ में बाबर का भी लटका डालेंगे। चुप करो तुम सब, बुआमा के अलावा सुसुरी वालों, अगर हमारा दिमाग घूम गया, हमने गलती से भी इंडिया को पेल डाला ना, फिर तुम सब मुंह लटकाना, फिर हम जाएंगे सेमीफाइनल में, दूसरा मेरे ख्याल में बुआमा आएगा फिर। अबे चुप कर अरवाइन और शकीब के बच्चे, तुम्हारा औकात नहीं है, तुम्हारी लल्लू सी टीम हमारी टीम को हराएगी। सुसुरी वालों सपना देखते रहो, सपना दोनों का हम चकनाचूर करने वाले हैं, पहले बांग्लादेश का, फिर जिम्बाब्वे का, फिर पता चलेगा। रोहित सुसुरी के इनको हल्के में मत लेना, ऐसा ना हो ये आपको सचमुच इनमें से कोई एक पेल डाले। पहले सुसुरी वाले तुम हार गए अफ्रीका से और ऊपर से कह रहे हो जानबूझ के हारे हो, अगर ऐसा हो गया ना तो लोग आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अबे
चुप कर बाबर ससुरी के, तुम अपना सपना सोच रहे हो सेमीफाइनल खेलने का। अबे जाओ ससुरी वालों, तुम नहीं जाओगे सेमीफाइनल में। हम जानबूझ कर हार रहे थे साउथ अफ्रीका से, अब इधर जितनी मर्जी दुआएं कर लो बांग्लादेश से भी जीतेंगे। ससुरी के क्या है, तुम लोग आपस में लड़ती रहती है। ससुरी वाले पहले देखते हैं कौन सेमीफाइनल में पहुंचता है, फिर जीत लेना। ससुरी वाले इस बार साउथ अफ्रीका फाइनल जीतेगी, जो कुछ मर्जी कर लो। क्यों लड़ रहे हो फोकट में? अबे चुप कर ससुरी के बुआमा, फाइनल जीतेगा। 3 तारीख को हम आपको पेल कर टूर्नामेंट से आउट करने वाले हैं। ससुरी वाला फाइनल खेलेगा। भाइयों केवल फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो।